जी तो आज हम ऐसे राइटिंग करेंगे बट बिफोर वी स्टार्ट वी हैव अ न्यू स्टूडेंट सीमा कैन यू कम आउट हियर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सीमा सिद्दीकी है सीमा इन इंग्लिश मिस बट आई डोंट नो ट्राई My name is Sima Siddiqui. I am inter student. I learn know little English. I like songs and I like talk to my mother and I teach tuitions for pocket money. That's very good. Excellent. Take a seat. Now class, can you quickly introduce yourselves to Seema? Shaila. Zala. Lubna. Kaleem. Sharmeen. Seema Siddiqui. ये कब से सीख रहा है इंग्लिश जब से तुम दुबई गई हो तीन महीने बोलना आया कुछ भी नहीं वही हाय वेलकम थैंक यू के अलावा कुछ नहीं आता उतनी इंग्लिश आती थी थर्ड क्लास में उसको आती थी तेरा मियाँ कैसा है कहाँ है आजकल वैसा ही बेहद रोमांटिक और बेहद मेहनती उसे तुम दोनों के लिए वो कलोन्स और घड़ियाँ भेजी हैं हाँ वैसे इत्तफाकन बड़े शरीफ मियाँ मिल गया तुझे तुम्हें कब मिल रही है कोई शरीफ लड़की तभी शरीफ लगती है मुझे तुम्हारी बहुत फनी तस्वीर मिली है मुझे आई थिंक क्लास सिक्स की है उसमें तुम बिल्कुल सूखे चूहे लग रहे हो ऊपर से मुख्तलिफ रंग के मोजे पहने हुए पतली पतली कांगड़ी टांगे उसमें एक हरा और एक पीला मोजा बस बकवास घर आके देख लो तू किधर से आ गई बताऊंगी तो तुम्हें इंग्लिश कहाँ से आएगी अरबी में पूछूं क्या इसको पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म देखनी है धर्म लाइयो चोर मैं तुम्हारी मेहमान हूँ मैं मेहमान नवाजी अफोर्ड नहीं कर सकता मुझे ले जाना है तो धर्म खर्च करने पड़ेंगे वो हसन क्लास में नई लड़की आई है इसको फिर बुखार चढ़ गया है बहुत जोर से चढ़ा यार बहुत जोर से चढ़ा तेरी अम्मा को पता चलेगा सारा बुखार उतर जाएगा अम्मा अब गए उम्र पे कम से कम एक महीने बाद आएंगे किसको बताएगा चलना चुड़िया देखना लगी हुई है क्या चुड़िया चल बेटा आज शाम को जल्दी आ जाओ क्यों तुम्हारे लिए लड़की देखने जाना है सरोज के साथ नहीं आई एम सॉरी वो मुझे एनी को खाने पे ले जाना है रात को अरे एनी आई हुई है और मुझे घर पे मिलने नहीं आई आएगी कल परसों आएगी आने दो उसे वो ही तुम्हें ठीक करेगी उसकी बात तो तुम नहीं टाल सकते ना मेरी तो बात टाल देती हो वो अब्बा कहाँ है वो नाश्ता नहीं करेंगे पेंशन लेने गए हैं अच्छा तो बेटा फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी सरवत के साथ आपकी मर्जी मेरे लिए तो बेकार है बेटा तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते हो कि तुम्हें किस किस्म की लड़की पसंद है तेरी मेरी वो शक्ल में जिसकी कोई कल सीधी ना हो खुदा पे आर मेन मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन That is the topic of our debate today. And I need two of you to come out here, one to talk in favor and one to talk against it. Seema, why don't you come out? And Fizan? Jimis? Are you? Man? Ji? अब मिस वो आज ना डिबेट ना करवाएं तो अच्छा होगा कम ऑन फैजान यू कैन डू इट आ जाए कम ऑन जी सीमा यू स्टार्ट यस मिस
I think women are more intelligent. Women are more intelligent because they are good students. They get all the positions. When they are working in an office, they do good work. They are good housewives and they are good working women, women. Ji, not bad, Seema. Faizan? Ji. Men are. Man is are clever. Men are strong and men are brave. Seema, why don't you sit down also? Now, what was wrong with that speech? Miss, I think Faizan was. ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं होता। जिंदगी के 40-50 साल जिस आदमी के साथ गुजारने हो, उसको जानना और समझना बहुत जरूरी होता है। मगर तुम किसी को इतना नहीं जान सकते जब तक उसके साथ रहो नहीं। हर इंसान में ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ वक्त के साथ पता चलती हैं। ना मुझे कुछ जानना है और ना ही मुझे कुछ समझना है। मुझे उससे शादी करनी है बस। बकवास ना करो। जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में बच्चे नहीं बोलते। मैं तो हरगिज़ ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगा। पहले उस बंदी से मिलूंगा, उसे गुस्से में देखूंगा, उसका रहन सहन देखूंगा और उसका मेंटल अप्रोच देखूंगा, तब जाके शादी करूंगा। देख लेना बच्चे, मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली हुई किसी बुढ़िया से शादी होगी तुम्हारी। मुझे भी ऐसा लगता है। याद है जब इसे मिस नजमा तरमजी से इश्क हो गया था? इसको इश्क भी हुआ था सरदारा से। That was so funny. याद है इसको अनार भी छील छील के खिलाती थी। अब मैं वाकई आशिक हो गया हूँ। 505वां इश्क है इसका। जी नहीं, ये मेरा पहला और आखिरी इश्क है और मैं इसी से शादी करूंगा, देख लेना। ये हुई ना बात, प्लीज प्लीज मेरे होते हुए शादी कर लो ना, मैंने अपनी ज्वेलरी की नुमाइश करनी है। कल ही मैं उससे बात करूँ। ज्यादा मत हंसा कर। हाँ भाई आ गया। हाँ क्या वो बात क्यों से? अबे नहीं यार, उसे देखते ही फालिज कर जाता है। पैरों का हाथों का कंट्रोल काबू में रहता नहीं है, बॉडी गाड़ी चल रही होती है और हेडलाइट फ्यूज हो जाती है। तू लगता है वाकई सीरियस हो गया? हाँ यार मैं वाकई सीरियस हूँ। कम से कम एक बार दिखा तो दे कौन है। थोड़ी देर पहले ही नजर आई थी मुझे, इधर ही किधर। पिछाड़ी काले कपड़ों वाली। अबे ये सीमा, तू जानता है उसे? भाई मेरे बाप मेरी से बात करा दे यार। भाई नहीं है, देख नहीं, मैं इस तरह उसे जानता बानता नहीं हूँ। वो मेरी कजिन की बेटी को ट्यूशन पढ़ाती है। तो इससे करीब जान पहचान और क्या होगी यार। चल तेरे कजिन के पास चलते हैं। राजा पागल हो गया है क्या? हाँ यार पागल हो गया मैं। चल। आलिया और जोहा पिंडी गई हैं, जब तक वो नहीं आती उस वक्त तक सबर कर लो। कब आ रही है वो? कल ही गई हैं, 15-20 दिन तो रहेंगी वहां। 15-20 दिन? हो सकता है इतने दिनों में तुम्हारा दिमाग भी ठिकाने पर आ जाए। दिमाग को ठिकाने पे नहीं आएगा, मैं खुद ठिकाने पे आ जाऊंगा देखना। तुम जानते हो उनको? हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह। उसकी फैमिली में उसकी अम्मी के अलावा और है कौन? तो यार फिर उनसे बात करो कि वो इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं है।
हो सकता है कि सीमा में वहां की बात बात खबरदार तूने उल्टी सीधी बात मुझसे निकाली है, यही जान दे दूंगा मैं अपनी। इसका मर्ज तो बहुत बढ़ गया है। ठहरो मैं फोन करता हूं। फोन हेलो सीमा, मैं रफीक बोल रहा हूं। सायरा है घर पे, जरा बात करवा दो। हेलो कैसी हैं आप? मैं बहुत खूबसूरत। अच्छा सुने, मुझे एक बात करनी थी आपसे सीमा के बारे में। उसकी कहीं बात बात तो तय नहीं हो गई है? जी मेरी नजर में है एक लड़का, चाहे तो उससे मिल लें। हाँ मेरे घर पे। जी बता दूंगा, खुदा हाफिज। जिंदगी में पहली मरतबा औरतों वाला काम किया है, अजीब सी कैफियत हो रही है। पानी पिलाऊं आपको? पानी। सायरा मिलने आ रही है तुमसे कल शाम को। कल शाम को क्यों, आज क्यों नहीं आ रही? चुप। सॉरी सॉरी यार, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था ना। सॉरी सॉरी है, कल आ रही है। बेटा मैं लड़की वालों को क्या जवाब दूं? वही जो हमेशा देती रही है। देखो तुम्हारे अब्बा तुमसे सख्त नाराज हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैं मना लूंगा। आखिर तुम इस मामले को कब तक टालते रहोगे? अम्मी देखें, मैं इस मामले को टाल नहीं रहा हूं, बल्कि इंतजार कर रहा हूं। किस बात का इंतजार? किसी ऐसी लड़की का जो इस काबिल हो, जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारी जा सके। लड़कियां अपने आप को उस रंग में रंग लेती हैं जो रंग शौहर को पसंद हो। देखिए मैं किसी को रंगना मंगना नहीं चाहता हूं, मुझे उन अच्छे रंगों की तलाश है जो लड़की के अपने हो। अजीब खब्तुल हवास बातें करती हो तुम, समझ में नहीं आती। ये क्या उठा लाए हो? वो मैं चाय के साथ रखने के लिए कुछ चीजें ले आया हूँ। चाय कौन बनाएगा? मैं अभी से बना देता हूँ। हाँ बना के फ्रिज में रख दो, स्ट्रॉ के साथ पी लेंगे। अभी उनके आने में एक घंटा बाकी है। मैं ऐसा करता हूँ, ये चीजें निकाल के प्लेट में रख देता हूँ। इससे अगर तुम्हारी बेचैनी कम होती है तो जरूर। वैसे तुम काम क्या करते हो? मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। और तालीम? तालीम एमए। माशाल्लाह। वैसे ये जमाने महज़ब किस्म की तालीम और नौकरी का है नहीं, इसलिए तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। वैसे ये बताएं कि सीमा की अम्मी किस किस्म की खातून है? यूं समझ लो कि सीमा अगर 40 वोल्ट का बल्ब है तो उनकी अम्मी 200 वोल्ट का। दोनों जब साथ भी होती हैं तो लोगों की तवज्जो सायरा ही की तरफ होती है। अच्छा वो मान तो जाएंगी ना? भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे अगर तुम्हारी फितरत पे गौर करेगी तो शायद हाँ कर दे। पता नहीं हसन कहाँ रह गया है। ये मेरा दोस्त है हसन, और रफी साहब कजन है। ये हैं सारा बख्तियार। बैठ जाओ हसन, बैठ। आप लोग बैठ के बातें करें, मैं जब तक चाय का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, मैं हेल्प करूँ आपकी? नहीं नहीं जाने दीजिए, ये कसम खा सकेगा कि इसे चाय बनानी आती है। जाओ। ठहरो मैं भी आता हूँ, पता नहीं किचन का क्या हाल करो।
आप क्या करते हैं? जी मैं बैंक में जॉब करता हूँ। और फैजान? फैजान स्कूल में पढ़ाता है। कब से जानते हैं आप एक दूसरे को? बचपन से। उसने शादी का फैसला कुछ जल्दी नहीं कर लिया? हैरत तो मुझे भी है मगर खुशी ज्यादा है। कितना बड़ा फैसला उसने जिंदगी में पहली बार खुद किया। लेकिन इतने बड़े फैसले इतनी आसानी से तो नहीं हो जाते, खुसूसन ऐसे फैसले। हो सकता है उसने सोचने समझने की जरूरत ही महसूस ना की हो। बास चेहरे खुली किताब होते हैं। जो लोग चेहरे पढ़ने का हुनर जानते हैं उन्हें तो फिर ज्यादा मोहतात होना चाहिए, नहीं? हो सकता है उसने पढ़ लिया हो कि उसे किसी एहतियात की जरूरत नहीं है। हम भी कितने बेवकूफ हैं, यहाँ बैठ के उनकी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं जबकि ये फैसला तो उनको करना है। आप सीमा की अम्मी हैं। इसीलिए तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपना फैसला उस पर ठोसूं। लेकिन हमारा माशरा इसे हक समझता है। तो फिर शायद मैं बागी हूं क्योंकि मैं ये अपना हक इस्तेमाल नहीं करना चाहती, चाहे वो मेरी अपनी ही औलाद क्यों ना हो। मुझे हैरत हो रही है। किस बात पे? अब सीमा की अम्मी लगती नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट है या फिर सच्चाई है? आइए बाकी बातें यहाँ हो जाएंगी। क्या कहा उन्होंने? अभी कोई जवाब नहीं दिया। सिवाय इसके के जो मैं भी कहता हूँ, कैसे फैसले जल्दी में नहीं हुआ करते। मुझे लगता है कि मेरी जॉब की वजह से जरूर कोई ना कोई मसला हो जाएगा। काश जॉब बदलना मेरे बस में होता तो मैं कब की जॉब बदल चुका हूँ। जहाँ जाता हूँ इंग्लिश का मसला सामने आ जाता है। इंग्लिश सीख तो रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं शरियार से तुम्हें जॉब दिलवा सकती हूँ। दुबई में? हाँ, देखना नखरे करेगा। दुबई तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। बेटा सर पे पड़ेगी ना तो बिल्कुल जाएगा, जरूर जाएगा। पता नहीं कब जवाब देंगे वो लोग। सीमा से पूछ क्यों नहीं लेते कल? नहीं नहीं, कल तो मैं क्लास में जाऊंगा ही नहीं। देखना डरता क्यों उससे यार, क्यों डरता है? नो होप, कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो अच्छा खासा तमीज का आदमी लगा वो। बस थोड़ा बेवकूफ सा, नहीं? नहीं मुझे तो अच्छा लगा, काफी नॉर्मल सा लगा मुझे बल्कि। नॉर्मल? हाँ। अम्मा अगर वो नॉर्मल लड़का होता तो वो स्कूल में पढ़ाता है। सीमा टीचिंग में क्या बुराई है, अच्छा खासा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है टीचिंग। अच्छा ये बताओ आदतन कैसा लगा? अम्मा आदतन मुझे क्या पता, उसकी शक्ल ठीक है, यही गनीमत है। अच्छा चाय पे बुला ले। अम्मा अब अपने चाय वाली शुरू करना, वो बहुत फिल्मी है। क्यों? इतनी अच्छी लगोगी ट्रॉली पे चाय सजा के लाओगे ऐसे। अम्मा खबरदार खबरदार किसी को चाय में बुला। तुम क्यों ना बुलाओ, तुम्हारी उम्र है ऐसे काम करने की। नहीं 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 तो मैं करूँ, मैं लाऊंगी चाय। हाँ आप ले, आप होगी मैं। हसन आपका टेलीफोन है। हेलो। हाँ हसन, सीमा की अम्मी का फोन आया था, उन्होंने 4 बजे चाय पे बुलाया है। ग्रेट, तो फिर जाना। शर्ट वर्ट चाहिए क्या? नहीं नहीं, तेरी उस दिन वाली शर्ट है मेरे पास, पिक करेगा मुझे? भूल गया क्या, डबल सवारी बंद है। तो फिर तू सीधा सीमा के घर पहुंच, मैं वहीं पहुंचता हूँ। एड्रेस मालूम है तुझे? लिख। मछलियां देखते हुए वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता ना? जी जी, मछलियों की मूवमेंट्स इतनी खूबसूरत होती हैं कि समंदर की हर चीज ही बेहद हसीन होती है। आओ बैठो, मेरा बस चलता है ना तो मैं तो समंदर की तह में अपना घर बना देती हूँ। ये आपका शौक है क्या? शौक भी है और प्रोफेशन भी। मैं NIO में रिसर्च कर रही हूँ ओशियनिक लाइफ पर। फैजान नहीं आए? फैजान बस आता ही होगा, लेकिन मैं शायद वक्त से पहले आ गया हूँ। सीमा कह रही थी वो आज क्लास में भी नहीं आया। फैजान को सीमा के सामने आते हुए डर लगता है।
तो आज क्या करेगा? आज वो मुझे लेके आया अपनी मॉरल सपोर्ट के लिए। मेरा ख्याल में आ गया। कहाँ रह गया था? तुझे कितनी देर हो गया है? काफी देर हो गई मुझे तो। सीमा ये हसन है, फैजान के दोस्त। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं चाय बनाती हूँ। बातें करो। फैजान, वो तुम बताओ ना सीमा को क्या बताना चाह रहे थे। मैंने? हाँ वो बताओ कि तुम क्लास में क्यों नहीं गए थे। मुझे वो बुखार चढ़ गया था ना बहुत तेज, इसलिए। ओ अच्छा अच्छा, तो उतर गया आप? वैसे इस बार नहीं उतरेगा। इस बार क्या मतलब? आप पूछे से? किस बुखार की बात कर रहा है कर रहे हो तुम? अजीब आदमी है आप, बुखार तो आपको चढ़ा था, इनसे क्या पूछ रहे हैं? मैं जिस बुखार की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इसी को होता है। ये बुखार नहीं है, ये ये क्या? आपके अम्मी ने आपसे कोई बात नहीं की है क्या? हाँ मेरी अम्मी ने तो मुझसे बहुत सारी बातें की हैं। मसलन के वो सब्जी लानी है, धोबी का हिसाब करना है, गाड़ी में पानी डालना है, बिजली का बिल देना है, मासी आई उससे सफाई करानी है, वगैरह वगैरह। मैं आपसे बाद में बात करूंगा जब ये नहीं होगा तो। अच्छा अच्छा, मुझे एक मौका दे दें प्लीज, वन स्कूल। जल्दी बताओ ना क्या हुआ। एक आदमी सर झुकाए इस तरह बैठा हुआ था जैसे सूखे हुए दरख्त के ऊपर उल्लू बैठा होगा। मेरी जगह अगर तू होता ना तो तेरा भी यही हाल होता। वो लड़की इतनी तेज है तो बिजली के बिलों से लेकर धोबी के कपड़ों के बारे में सब कुछ बता दियो। सायरा जैसी बात नहीं है उसमें। सायरा कौन यार? तू किस तरह नाम ले रहा सीमा की अम्मी का? और किस तरह नाम लूं, वो कहीं से किसी की अम्मी लगती नहीं। हाँ लेकिन यार वो मेरी होने वाली सास है। वैसे तू बड़ा अजीब लगेगा उसको आंटी या खाला बोलता हो। देखा सर, हमारे यहाँ रिश्तों को फौकियत दी जाती है। मामू उम्र में कितना ही छोटा क्यों ना हो लेकिन उसे नाम लेके नहीं पुकारेंगे, मामू ही कह के पुकारेंगे। अच्छा भाई देखो, तेरी सास है तू उसको अम्मी बोल, खाला अम्मी बोल, बड़ी अम्मा बोल, मेरा इससे क्या ताल्लुक है? मुझे क्यों तड़ी लगा रहा है? ऐसा करो मुझे मिला दो, मैं बताऊंगी क्या बुलाना चाहिए। वैसे बात हो रही थी सीमा की। तुम मुझे ऐसे क्यों घूरते रहते हो जैसे मेरा एक्सरे कर रहे हो? मैं तो सिर्फ क्या? मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि फैजान तुम कोई एक जुमला तो पूरा बोला करो। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि क्या ये कि तुम दुबली कितनी हो गई हो, खाती पीती नहीं हो क्या? चलो मुझे घर छोड़ के आओ। अभी से? हाँ। क्यों? क्योंकि मुझमें और बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। क्यों? मैं इतना बुरा हूँ क्या? तुम नहीं, इतने बुरे भी नहीं। चलो जी, मैं हसन बात कर रहा हूँ। हाँ हसन बोले। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। नहीं नॉट एट ऑल, बोले क्या पूछना? यही कि वो सुनहरी वाली मछलियाँ कितना खाती हैं, क्या खाती हैं, ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ती है उनको, और अगर एक जार में बंद कर दिया जाए क्या वो जिंदा रह सकती हैं? ये सब कुछ एक सांस में इसी तरह तुम्हें बताऊं जिस तरह तुमने पूछा है?
آفس کے بعد اطمینان سے بتاؤں. اتنا انتظار کر سکتے ہو؟ تو پھر میں گھر آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ. کچھ تو بولو نا. اس طرح خاموش رہنے سے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم کیا چاہ رہی ہو؟ تمہیں تو سمجھنا چاہیے کہ میں اس وقت کیا سوچ رہی ہوں. سوچنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم مجھے بتا دو نا کہ تم کیا سوچ رہی ہو. لیکن تم کوئی زحمت گوارا نہیں کرو گے, ہے نا؟ آسان لفظوں بتاؤ کہ تم کون سی زحمت اٹھوانا چاہ رہی ہو مجھ سے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن پھر تم یہ نہیں کہنا کہ میں روڈ ہوں اور بدتمیز ہوں اور کیا کیا. نہیں نہیں کچھ نہیں بولوں گا میں. وعدہ؟ وعدہ. تم اپنی نوکری بدلو بھائی اور ایک گاڑی بھی لے لو. ٹھیک ہے, یہ دونوں کام ہو جائیں گے. چینی کتنی پیو گے؟ جتنی آپ لیتی ہیں. تمہیں کیسے پتا میں کتنی چینی پیتی ہوں؟ شاید آپ بھول رہی ہیں, میں ایک دفعہ آپ کے گھر آیا تھا, میں نے چائے پی تھی. ہاں تو آبزرونٹ ہو, اور کیا آبزرو کیا؟ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, آپ کو سمندر میں سب سے خوبصورت چیز کیا لگتی ہے؟ سی ارچنز. پتہ سی ارچنز کیسے لگتے ہیں؟ جیسے کسی نے پیالی میں سورج مکھی کا پھول سجا دیا. اس کے علاوہ شیلز اور کرلز, اتنے حسین کرلز ہوتے ہیں کہ تم سوچ نہیں سکتے. کبھی سمندر کی گہرائی میں اترے؟ نہیں, لیکن آپ کی باتیں سن کے میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی سمندر کی گہرائی میں اتروں. حسن پرست ہو؟ عام سا آدمی ہوں, عام سی خوبصورتی بھی مجھے اچھی لگتی ہے, بہت ہوتی ہے میرے لیے. میں بتاؤں تمہیں کیا اچھا لگتا ہوگا؟ اچھا میوزک, خوبصورت مناظر, خوبصورت چہرے, ہے نا؟ مجھے ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جس میں ایکسپریشن ہو, کیریکٹر ہو, جس کی خاموشی بولتی ہو. یہ اچھا لگتا ہے مجھے. تم نے صحیح کہا تھا, واقعی یہاں کی خاموشی تو کئی کہانیاں سنا رہی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان خاموشیوں کو محفوظ کر لوں. سب اسے برداشت نہیں ہوتا ان جگہوں کا ڈکے ہونا. میں یہ سوچ سوچ کے گھبراتا ہوں کہ کل یہ جگہیں فنا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. وقت بہت بے رحم ہوتا ہے حسن. نہیں, ہم بے رحم ہو گئے ہیں, ہمیں ان جگہوں کی قدر ہی نہیں ہے. میں جب چھوٹا تھا تو آرکیولوجی پڑھنا چاہتا تھا. پھر ابو چاہتے تھے کہ میں آرمی جوائن کروں اور امی چاہتی تھیں کہ میں میڈیسن پڑھوں. اکیلے ہو نا, اس لیے ساری توجہ اور ساری امیدیں تم سے ہی وابستہ ہیں. اسی لیے شاید میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا. ہم ایک زندگی میں سب کچھ نہیں کر سکتے ایسے. اگر ایک کام بھی پوری توجہ اور ایمانداری سے کر دیں تو یہی کافی. اب ہم کھانا کھا چکے ہیں اور بل کا انتظار کر رہے ہیں. کہاں مرے ہوئے تھے؟ نہ بینک میں تھے نہ گھر پہ تھے. کہاں تھے, کس کے ساتھ تھے؟ یہی تھا, میں کہاں جاؤں گا. ادھر دیکھو. کیا کیا دیکھ رہی ہو؟ عجیب سے لگ رہے ہو. کیا عجیب سا لگ رہا ہوں؟ شاباش اس کے شوہر پہ, جیسی شکی عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. حسن کون ہے وہ؟
کون وہ؟ بتانا کہاں گیا تھا تو؟ تیری امی کا فون دو مرتبہ میرے اسکول آ چکا اور چار مرتبہ بینک. تو بینک والوں نے انہیں بتایا نہیں؟ کیا نہیں بتایا؟ یہی کہ میں انہیں ہی کام سے گیا ہوا تھا ہیڈ آفس. نہیں یہ تو نہیں بتایا تھا. ہاں یہ ضرور بتایا تھا کہ آپ کی امی کو کہا جائے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت سے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سے کچھ چھپا رہا ہے. شرافت سے بکو گے یا ہم اگلوائیں؟ یار امی بہت پریشان ہو رہی ہوں گی. تم گھر کب آؤ گی؟ امی تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں. حسن میں نے کھانا کھا لیا. خدا دیکھ اگر تم بغیر بتائے گا تو بہت برا ہوگا. حسن کیا خیال ہے؟ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم سے چھپا کیوں رہا ہے؟ ہو سکتا ہے بات ابھی ادھوری ہو. اس کی عادت ہے کہ جب کام پکا ہوتا ہے نا تب بتاتا ہے. سیما کیا خیال ہے؟ سیما کیسی ہے؟ کیا بتاؤں گا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں. کیا ہوا؟ اسے میری نوکری نہیں پسند. دو ہی صورتیں ہیں، یا تو لڑکی بدلو یا نوکری. دادا عزیز کون سی ہے؟ لڑکی. تو جو کہتی ہے چپ چاپ کرتے جاؤ. اچھا وہ دبئی والی جو آفر تھی وہ ابھی ہے برقرار ہے؟ شریار سے بات کروں؟ بات کرو نا بھائی. ہاں یار بھیجوا تو کچھ کرو. اماں میں نے نا فیضان سے کہہ دیا. کیا؟ کہ وہ اپنی جاب بدل لے. اور وہ مان گیا؟ یہ تو پتا نہیں، لیکن کہہ رہا تھا کہ بدل لے گا. زیادتی تو نہیں کر رہی اس کے ساتھ کوئی؟ اماں آئی نو ہم نا، میں جب تک اس کو پوچھ نہیں کروں گی نا وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. اور میں نے اس سے گاڑی کے لیے بھی کہہ دیا. سینا تو زیادہ فرمائشیں نہیں کر رہی ہو. اماں کس کی طرف ہیں آپ؟ تمہاری طرف ہوں جان. تو پھر اس میں سے میری بھلائی تو نہیں ہے، اس کی بھی تو ہے. تمہاری دونوں کی منگنی نہ کر دوں، سارے انڈے پھوڑ دوں گی میں. واپس رکو. اور ایک تو یہ کیا تم رولرز لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے روز صبح؟ میرے رولرز کی جان چھوڑ دیں آپ، روز صبح یہی کہتی ہیں مجھ کو. اور کوئی منگنی شنگنی نہیں ہوگی جب تک اس کو کوئی بہتر نوکری نہیں ملتی اور وہ یہ والی نوکری چھوڑتا نہیں ہے. کوئی کسی سے اگر آپ نے ذکر کیا نا منگنی کا، بہت شرطیں لگا رہی ہو تم. اچھا دیکھیں گے نا ابھی، نو منگنی شنگنی. پتا ہے فیضان کا، وہ سب کچھ کر لے گا. مجھے تو فیضان پہ بہت ترس آ رہا ہے، معصوم اور سیدھا سادہ سا بچہ ہے. میں نے اسی لیے تم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ سیما کو جانتا ہے. تم نے کہا وہ جاننا ہی نہیں چاہتا. جاننے سے بھی اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جب بھی سیما کو دیکھتا ہے نا اس کی زبان پر تالے پڑ جاتے ہیں. سیما بالکل ٹیٹرڈون کی طرح ہے. ٹیٹرڈون دیکھنے میں حسین اور معصوم مگر خطرناک اسپائک سے بھری ہوئی. خطرے کے وقت اسپائکس باہر نکل آتے، چھو جائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ انسانوں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ عادت سے مجبور جو ہوں. چلے میں کیا ہوں؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کس سے پوچھوں پھر؟ جو تمہیں بہتر جانتا ہے. آپ نہیں جانتی؟ جان جاؤں گی تو بتا دوں. آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہوا؟ سیما 8 سال کی تھی جب. کیسے آدمی تھے؟ مکمل، بے حد مکمل. 9 سال ایک خواب کی طرح گزر گئے. ارینج میرج؟ ہاں ارینج میرج. جب ہماری شادی ہوئی نا تو ہم بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن بعد میں ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو بنایا ہی ایک دوسرے کے لیے تھا. ڈیتھ کیسے ہو؟ ہارٹ اٹیک، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وارننگ، بس اچانک. پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے. میرے پیرنٹس کو میری شادی کی فکر ستانے لگی. میں نے سیما کو سنبھالا اور گھر سے بھاگ لی. آپ گھر والوں سے بھاگی تھی یا شادی سے؟ دونوں سے ہی.
शादी इतनी खौफनाक होती है क्या? तब लगती थी। और अब? अब वक्त ही नहीं रहा। कहाँ थी आप? क्यों, आप ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? आपने कभी ऐसा किया नहीं, मैं परेशान हो गई थी यार। इसीलिए कहते हैं मामूल की आदत नहीं डाला करते। अचानक तब्दीली भी नहीं आनी चाहिए। तो तब्दीली पे डिपेंड करता है। आप क्या छुपा रही हैं मुझसे? फैजान के जॉब का क्या हुआ? पहला मुझे बताया मुझे क्या छुपा रही हैं? मैं तुमसे कुछ छुपा सकती हूँ? जब कुछ होगा बता दूंगी। पहले ये बताओ फैजान की जॉब का क्या बना? दुबई जा रहा हूँ मैं। हाँ, ये कब हुआ? तुझे फुर्सत होती तो बताता ना। मैं बता, कितने दिनों बाद ऐसे मुलाकात हुई? मुलाकात मुलाकात को छोड़, तू ये बता कि तेरी जॉब का क्या हुआ, मिली कि नहीं? यानी कि मैंने जॉब का बंदोबस्त भी कर दिया और वीजे का भी, अगले हफ्ते चला जाऊँगा। हाँ हाँ, अच्छा अब तो बता दे मुझे अपने चक्कर के बारे में। तो यार जब उससे बात हो जाएगी तो बता दूंगा ना। तो तूने अब तक उससे बात ही नहीं की है? नहीं, तुझसे तो बेहतर मैं निकला। तू मुझसे बेहतर ही है। चला तेरे को खाना खिलाता हूँ। चल, बेहतर आदमी। चल। तुम पागल हो गए हो फैजान, यहाँ पर नौकरियों का क्या काल पड़ा हुआ है? सिवा यहाँ ऐसी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है कि मैं फौरन गाड़ी ले सकूँ। और अगर तुमने दुबई जाके गाड़ी ले भी ली तो मुझे उसका क्या फायदा है? तो मैं तुम्हें दुबई बुला लूंगा ना। नो थैंक यू, मुझे दुबई नहीं जाना है। और जो यहाँ कुछ नहीं कर सकता ना, वो वहाँ जाके भी कुछ नहीं कर सकता। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ नसीमा। तुम मुझसे पूछ तो लेते फैजान। मैं समझ रहा था कि तुम खुश होगी। बात कनाडा या अमेरिका की होती तो मैं बहुत खुश होती, लेकिन दुबई, जिसे देखो दुबई चला जा रहा है। तुम मेरी किसी बात से मुतमईन नहीं होती। कौन सी बहुत इत्मीनान बख्श बातें करती होती? अब मुंह फुला के बैठ जाओगी तुम तो? और क्या करो, कुछ खाओगी? फिर मैं कुछ कहूंगी तो तुम कहोगे कि नहीं नहीं पैसे हैं मेरे पास, आज ही सैलरी मिली है ना मुझे। खुश कर दिया ना जलील। तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ पैसों की वजह से लड़ती हूँ तुमसे? बाजार तो ऐसा ही लगता है। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है फैजान, और कमाना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मेहनत की आदत पड़ जाए तो उसमें बुराई क्या है? और तुम हो के अच्छा सॉरी सॉरी कह दिया ना। चलो कुछ खाने चलो। दुबई नहीं जाना, बहुत फजूल जगह है। आज फिर से देर हो गई, सीमा मुझसे फिर उल्टे सीधे सवाल पूछेगी। मुझे भी एक सवाल पूछना है, बहुत सीधा सादा सा। मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो। तो ठीक है, फिर सवाल पूछने की उलझन से निकालो और खुद ही जवाब दे दो। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे पूछो। क्यों? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह पूछोगे। क्या है भैया, कैसे पूछूं? पूछो ना। अच्छा पूछता हूँ, तुम अपनी जिंदगी के अगले 100 साल मेरे साथ गुजार सकती हो? जवाब दो, जवाब दो। मुझे पता था तुम इसी तरह पूछोगे। हाँ, लेकिन मैं जवाब मांग रहा हूँ। कुछ दिन मोहलत नहीं मिल सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। तू तो मजबूरी है। क्या मतलब?
गुजारा तो करना ही पड़ेगा। आपके पास रैन कैसरोल्स हैं? जी मिल जाएंगे। चार लोगों के लिए प्लीज पैक करवा दीजिए। अच्छा, 10 मिनट वेट करना होगा। ठीक है। सलाम अलैकुम हसन साहब, कैसा पकड़ा? वालेकुम सलाम। एनी ये सायरा है, सायरा एनी मेरी बचपन की दोस्त। हाँ, बहुत सुना है आपके बारे में। मैंने आपके बारे में कुछ नहीं सुना, हसन ने कुछ बताया ही नहीं। क्यों हसन? बैठो बैठो। हाँ आई बैठे प्लीज कम सच्चे। अच्छा मामे कहाँ थी आप? ऑफिस से तो आप 6 बजे निकल गई थी। वो खाना खा लिया तुमने? बस ये पूछकर आप अपने आप को मुतमईन कर लेती हैं। मैं दोपहर को वापस कैसे आई, ट्यूशन पे कैसे गई, खाली घर में आके मुझे कैसा लगा, क्लास में कैसे गई, किसी बात से कोई मतलब है आपको? मेरा बेबी फैजान से फिर लड़ाया आज। आपको क्या? किस बात पर लड़ाई हुई? भाई अम्मा बहुत ही बेवकूफ आदमी है वो। क्या किया उसने? मैंने उसे नौकरी बदलने को कहा था, मुल्क बदलने को तो नहीं। कहाँ जा रहे? दुबई है। नहीं, और तुम जाने दोगे उसे? नहीं भाई, मैंने मना कर दिया उसको। और मैं मान गया। जाहिर है अपनी कोई डिसीजन मेकिंग पावर तो है नहीं उसकी, जो मैं कहती हूँ वो कर लेता है। ये अच्छी बात है, ये जान अच्छी बात नहीं है। कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म का आदमी है वो, और तुम कह रही हो। सहर लगते हैं मुझे ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म के आदमी। उससे 1000 दर्जे बेहतर तो उसका दोस्त है। क्या वो हसन? क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं। आप बताएं आप कहाँ थी? सीमा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैंने अभी अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल करने का सोच लिया है तो क्या मतलब? तुम अच्छी तरह समझ गई हो मैं क्या कह रही हूँ। हाँ शादी। किससे? हसन। किससे? हसन से। कितना फर्क है दोनों की उम्र में? 12 साल। और फैजान की शादी हो रही है उसकी बेटी के साथ। जी मगर वो देखने में, देखने में वो 25 साल की लगती होगी। सलीका मंद होगी, पढ़ी लिखी होगी, खूबसूरत होगी, है ना? आप एक बार मिल तो लीजिए। नाम ले लो उसका मेरे सामने। और अगर उसने ऐसी वैसी हरकत की तो। अम्मी प्लीज ऐसी वैसी कोई बात ना कीजिएगा जिससे आपको बाद में दुख हो, आपको पछतावा हो कि आपने बगैर सोचे समझे ऐसी वैसी बात कर दी। दुख तो तुमने दे दिया हसन, और क्या दुख दोगे? थैंक यू एनी, मुझे मालूम है अम्मी कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी।
اچھا میری امی ہے میں جانتا ہوں. اب رہ گئے فیضان. حسن حسن کیا بکواس ہے؟ کیا بکواس ہے؟ کیا کرتا پھر رہا تو؟ کیا کرتا پھر رہا ہوں میں؟ زیادہ بھولا بننے کی کوشش مت کر. صبح سیما کا فون آیا تھا میرے پاس. او مبارک ہو، اب تیرا دن اچھا گزرے گا. وہ کہہ رہی تھی کہ دبئی جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھ دیکھ بات گول کرنے کی کوشش مت کر. شرافت سے بتا دے کہ تجھے میری سانس ملی تھی حرکت کرنے کے لیے. بھائی اگر مجھے کسی اور کی بھی سانس ملتی نا میں یہی حرکت کرتا. بے شرم آدمی، تو میرا سسر بننے کی سوچ رہا ہے؟ سوچ نہیں رہا، میں فیصلہ کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، میں تجھے اپنا سسر ماننے سے انکار کر دوں گا. ٹھیک ہے تو میں تجھے اپنا داماد ماننے سے انکار کر دوں گا، کوئی اور داماد ڈھونڈ لوں گا. میں تیرا گلا گھونٹ دوں گا یا تجھے زمین میں گاڑ کے رکھ دوں گا. ہاں گلا گھونٹ میرا، زمین میں گاڑ دے. پاگل ہو گئے ہو؟ ہٹو. تم اس کو کیوں نہیں سمجھاتی ہو؟ کیا سمجھاؤں؟ یہ کہ شہر میں دوسری ساسیں کوئی اور ڈھونڈ لے تاکہ سب تانے مارے کہ فیضان کا دوست فیضان کی ساس کے ساتھ فلرٹ کر کے بھاگ گیا. ابھی لوگ نہیں بولیں گے کیا؟ لڑو گے مرو گے تو اور باتیں کریں گے لوگ. فیضان شادی کر رہا ہے، یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہا؟ سوچو. تو واقعی شادی کر رہا ہے ان سے؟ جی ہاں. تم دونوں ایک ہی دن شادی کر لینا. بہت ہنسی آئی. پھر لڑائی ہوگی. تو زیادہ نہ بول میرے سامنے، سمجھے؟ تیری وجہ سے لڑائی ہوئی سیما سے میری آج. کہنے لگی اپنے سر پھر دوست کو سمجھاؤ. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا ہے؟ میری پھرکی گھوم گئی. میں نے بھی خود سنائی ان سے آج. میں نے کہہ دیا کہ میں تمہارا غلام نہیں ہوں، تمہاری باتیں مانتا رہوں. میں نے نوکری چھوڑوں گا، نہ دبئی جاؤں گا اور نہیں حسن کو سمجھاؤں گا. گڈ. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا؟ بالکل ست، بلکہ ٹھیک ہو گئی بالکل. لیکن پہلے کر لیتا نا، پہلے کہاں تھا تو؟ بسکٹ سارے ٹوٹ گئے. آج میری امی پھر تمہارے دوست کے ساتھ نہیں ہے. جی نہیں، میرا دوست تمہاری امی کے ساتھ گیا ہوا ہے. ایک ہی بات ہے، اب ناک کو یوں پکڑو یا یوں پکڑو. میری امی ایسی نہیں تھی، تمہارے دوست کے ساتھ رہ کر بگڑ گئی ہیں. تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میرا دوست بگڑا ہوا ہے؟ سیما تمہاری امی کے تو نصیب جاگ گئے ہیں، عیش کریں گی وہ. فیضان دیکھو نا، سیما کبھی تم نے اپنی امی کے چہرے کو غور سے دیکھا ہے؟ کتنی خوش نظر آتی ہیں وہ. اچھا بک بک مت کرو، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے. ہم ساری زندگی اسی طرح لڑتے رہیں گے. انہیں دیکھو چپ چاپ کتنا بڑا کارنامہ انجام کیا ہے انہوں نے. السلام علیکم. السلام علیکم. کہاں تھے آپ لوگ؟ ہم لوگ حسن کی امی سے ملنے گئے تھے. ارے ابا، وہ کچھ کہا نہیں انہوں نے؟ ہم لوگ اگلے ہفتے شادی کر رہے ہیں. مبارک. تھینک یو. تھوڑا سا ٹائم دیا آپ سے، ٹھیک ہو جائے گا.
अच्छा नहीं लग रहा अम्मा, मुझको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। आप खुश है ना?